नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एंड गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आंसर की फॉर टी एग्ज़ाम आपको पता है आज टी का एग्ज़ाम हुआ है सो so, जो आज का फर्स्ट सेक्शन है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है केमिस्ट्री का ओके okay, इसके बाद बाकी जो भी सेक्शंस हैं वो आपके लिए हम धीरे धीरे लेकर आते रहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके लिए केमिस्ट्री सेक्शन जो है लेकर आए हैं एंड कुछ क्वेश्चन में अभी तक डाउट है क्योंकि उनका जो आंसर है वो कुछ मैच नहीं कर रहे हैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं या ऑप्शंस गलत हैं ओके okay? तो अगर आपको कंफर्म है तो आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में तो चलिए शुरू करते हैं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया था वो था द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटोन टू दैट ऑफ ए अल्फ़ा पार्टिकल तो अगर इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखोगे तो आपको वन इज़ टू टू रेशियो में वो आंसर मिलता है बट यहाँ पे वो कोई भी इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है ओके okay? तो इस क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा सा नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होते हैं आपके पास जो न्यूट्रॉन है ओके okay? न्यूट्रॉन जो है आपके पास सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिबल सिग्नल कैरियर तो इसे हम कहते हैं मॉडुलेशन सी जो था इसका राइट right आंसर था नेक्स्ट हमारे पास वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एस टी पी इज इक्वल टू तो ये आपके पास किसके इक्वल थी सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री मोल ऑफ ऑक्सीजन ओके नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ मैक्म नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन देखोगे लिख के तो जो आयरन टू पॉजिटिव है उसमें आपके पास मैक्सिमम जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो प्रजेंट थे नेक्स्ट है हमारे पास वन थर्टी एट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन फॉस्फोरस तो जो ऑर्डर था आपके पास वो था ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ़ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज डाइपोल मोमेंट मोर देन जीरो तो अगर आप देखोगे तो वाटर में जो है डाइपोल मोमेंट प्रजेंट होती है ड्यू टू इट्स वी स्ट्रक्चर बाकी किसी में जो है आपके पास प्रजेंट नहीं है नेक्स्ट है हमारे पास विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे टू कूल द गैस तो वो है आपके पास लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तो बी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है नेक्स्ट हमारे है पास हीट एक्सचेंज इन अ केमिकल रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर तो यह आपके पास रिप्रेजेंट करता है एंथल्पी को सी जो है आपके पास राइट आंसर है नेक्स्ट हमारे पास द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अम्पल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज थ्री पॉइंट एट इंटू टेन रिज टू पावर माइनस थ्री मोल या मोलैरिटी ओके okay? तो पी एच पूछी गई आपके तो आपके पास आएगी टू पॉइंट फोर टू नेक्स्ट आपके पास आपके पास यहाँ पे रिएक्शन गिवन है और आपको बताना जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे तो वो एज ए एसिड एज वेल एज अ ऑक्सीडेंट जो है यहाँ पर एक्ट कर रहा है नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग तो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ करते हैं दिस कंपाउंड बी जो है आपके पास राइट right आंसर है नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ सोडा एस द राइट आंसर इज एन ए टू सी ओ थ्री नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द एनहाइड्राइट ऑफ नाइट्रस एसिड तो आपको नाइट्रस एसिड की एनहाइड्रस फॉर्म बतानी है यहाँ पे तो यहाँ पे जो राइट right आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा एन टू ओ थ्री नेक्स्ट हमारे पास विच बिलोंग टू अल्काइन सीरीज तो अल्काइन सीरीज का आपके पास जर्नल फार्मूला अगर आपको पता था तो आप इसको ईजी वे में कर सकते थे ओके सी एन एच टू एन तो सो दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा है एंड ऑक्टेन बी ओ डी तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बट इसका जो राइट right आंसर बन रहा है वो है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन अ वाटर ओके नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट तो जो फ्रेंकल डिफेक्ट है उसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं नेक्स्ट हमारे है पास टू पॉइंट फाइव लीटर ऑफ वन मोलर NH एच सोल्यूशन इज मिक्सड 3.0 थ्री पॉइंट जीरो लीटर ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मोलर एन resultant एच सोल्यूशन द मोलोरिटी ऑफ द रिजल्ट इन सोल्यूशन इज तो मोलोरिटी आपके पास आएगी जीरो पॉइंट सेवन थ्री मोल ये मोलर सोल्यूशन ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली पूछा नहीं है कि हम वहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं ओके देखिए क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर एन ए सी एल सोल्यूशन एन ए सी एल की तो आपको बता दी फिर ये कहते हैं वट हैपन टू द कंडक्टिविटी अब कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इफ़ एक्स्ट्रा हंड्रेड एम एल इज़ एडेड अगर हम उसमें हंड्रेड एम एल ऐड करेंगे अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि हंड्रेड एम एल ऐड क्या करना है हमें सोल्यूशन ऐड करना है कि सोल्यूट ऐड करना है यदि इस बिले में सौ एम एल और मिलाया जाए ओके okay, इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम इसमें एन एस सी एल ऐड कर रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं अगर वाटर ऐड करेंगे तो इसकी कंडक्टेंस कम होगी अगर हम इसमें एन एस सी एल ऐड करेंगे तो वो इंक्रीज़ होगी ओके तो एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सही तरीके से नहीं पूछा गया यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम डबल फॉर एवरी टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर इफ़ द टेम्परेचर इज़ राइज बाई फिफ्टी डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन सिक्सटी फोर टाइम जो है आपके पास यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास द कैटलिस्ट यूज़ फॉर प्रिपेरिंग ग्रिगनार्ड रियजेंट तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आयोडीन पाउडर एंड ड्राई इथर नेक्स्ट हमारे पास द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेट एलुमिना इन टू एन हाइड्रस एलुमीना इज कॉल्ड तो इसे हम कहते हैं कैल्सनेशन नेक्स्ट हमारे पास द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड द राइट आंसर इज प्लस फाइव नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन तो अगर आप देखोगे तो सी यू आई टी जो है आई टू जो है आपके पास स्टेबल नहीं है क्योंकि आई का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है नेक्स्ट हमारे पास अ ग्रुप ऑफ एटम कैन फंक्शन एज अ लीगेंट ओनली वैन तो ये तभी लीगेंट एक्ट करेगा जब इट हैज़ अनशेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके जिससे ये कॉर्डिनेशन बॉन्ड बना पाएगा नेक्स्ट आपके पास आई पी सी नेम तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है बट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे स्ट्रक्चर को तो ये आपके पास सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू करके जो यहाँ पे आ जाएगा और जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम नंबर जो है डबल बॉन्ड को दिया जाए ओके okay? तो नंबरिंग आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाती है तो इसका आंसर जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे बन रहा है नेक्स्ट है हमारे पास आर सी एल टू तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है रिएक्शन है आपके पास काफ़ी टाइम हमने डिस्कस भी किया था तो ये कौन सा था आपके पास ये था आपके पास फिंकलस्टीन रिएक्शन ओके एंड नेक्स्ट है हमारे पास तो द रिएक्शन इन्वॉल्व डाई कार्बीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल तो ये रिमन टीमन रिएक्शन है आपके पास नेक्स्ट है आपके पास टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट तो ये आपको देती है बेंजोइक एसिड नेक्स्ट हमारे पास डाई टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग बिटवीन तो डाई टेस्ट हम यूज़ करते हैं इथैलामाइन एंड एनिलीन के लिए ओके okay? क्योंकि एनालीन इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं देगा एंड इथैलामाइन जो इसमें रिएक्शन देता है नेक्स्ट हमारे पास विच और मोन कंटेन आयोडीन तो थायरॉक्स सब ये थायरॉक्साइन ओके okay? एंड नायलॉन सिक्स सिक्स तो नायलॉन सिक्स सिक्स क्या है आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर है पोलियमाइड है को तो वो आपके पास होमोपोलीमर नहीं है क्योंकि ये दो मोनोमर से आपके पास यहाँ पे बनता है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेसिक सा है इसका अगर हम देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑप्शन नंबर्स बी जो है राइट right आंसर हो सकता है कैन गेट बेटर एजुकेशन थ्रू मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क बट अब ये पैडागोजी से रिलेटेड है तो जो आंसर की में आंसर आएगा वो ही यहाँ पे राइट right आंसर हो सकता है ओके क्योंकि डी ऑप्शन भी थोड़ा सा यहाँ पे सही लग रहा है तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है सो so, इस वीडियो में इतना ही है आई होप आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के सही आंसर मिल चुके होंगे एंड जिनके आपको डाउट लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे